एमए का जो बड़ा फैसला है वो आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े निजी दफ्तर खुले रहेंगे, इस बात की जानकारी है। सभी रेस्टोरेंट और बार भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25% हो चुका है। 24 घंटे में 19,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। तो दिल्ली में इस वक्त लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को चलते देखते हुए ये पाबंदियों का ऐलान हो रहा है। उज्जवल संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल, अगर बात दिल्ली की करें तो अब तक क्या कुछ पाबंदियां दिल्ली सरकार लगा चुकी है? बिल्कुल ठीक ममता, देखिए अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप बीते 24 घंटे के अगर पॉजिटिविटी रेट की भी बात करेंगे तो तकरीबन देखिए वो 25% हो गया है। हालांकि टेस्ट कंडक्टिविटी की अगर आप बात करेंगे तो टेस्ट जो है वो तकरीबन 76,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं, जिसमें तकरीबन 19,166 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि देखिए टेस्ट कम हुए लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट है, जो लोग संक्रमित हुए हैं वो ज्यादा है, क्योंकि शनिवार को भी आप देखेंगे तो शनिवार को जो आंकड़ा सामने आया था उस वक्त 96,000 के आसपास टेस्ट किए गए थे, जिसमें 22,000 से ज्यादा लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे, जो तकरीबन 8 मई के बाद से सबसे ज्यादा है। तो यानी आप पॉजिटिविटी रेट देख सकते हैं कि 7 से 8 महीने के बाद जो है दिल्ली का वो इतना ज्यादा पहुंच गया, तकरीबन 25% के आसपास पहुंच गया है। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार देखिए कहीं ना कहीं कड़े कदम उठा रही है। कल की भी बात करेंगे, कल डीडीएमए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की थी, और साथ ही देखिए उसमें जो एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया मौजूद थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो उस बैठक में देखिए कई महत्वपूर्ण जो है अहम फैसले वो लिए गए हैं। दिल्ली में पूरी तरीके से रेस्टोरेंट जो है उनको बंद कर दिया गया है, बार जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि देखिए जो टेक अवे की सर्विसेज है वो जारी रहने वाली है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है वो ये है कि दिल्ली में जो निजी दफ्तर हैं उनको पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि इसमें भी कई लोगों को जो है वो छूट दी गई है जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जैसे कि आप बैंक कर्मियों की बात करेंगे उनको इसमें छूट दी गई है, फाइनेंशियल सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं उनको इसमें छूट दी गई है, साथ ही फार्मा कंपनी से जो जुड़े लोग हैं, केमिस्ट की भी अगर हम बात करेंगे, उन तमाम लोगों को जो है इसमें छूट दी गई है। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने देखिए आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दिल्ली में बहुत तेजी से संक्रमण दर फैल रहा है, और इसी के मद्देनजर दिल्ली में दिल्ली की योगशाला के तहत जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको भी कहीं ना कहीं स्वस्थ करने के लिए दिल्ली सरकार आगे कदम उठा रही है, जिसमें यह है कि कल से ऑनलाइन जो है वो योग कराया जाएगा, वो भी निःशुल्क। तो देखिए दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी हद तक जो है वो संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। ममता, बिल्कुल उज्जवल, लगातार पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू रहा था, कुछ असर उसका हुआ दिल्ली में? बिल्कुल ममता, देखिए अगर हम वीकेंड कर्फ्यू की बात करेंगे तो देखिए जैसा कि मैंने शनिवार को बताया, शनिवार को जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे तकरीबन वो जो है 96,000 के आसपास टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, जिसमें 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए थे। रविवार की बात करेंगे तो देखिए अमूमन रविवार को जो है दिल्ली में लोग वैसे ही कम बाहर निकलते हैं, तो टेस्ट जो हुए थे वो भी कम हुए, और उसके साथ ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू था, लेकिन पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि अगर वीकेंड कर्फ्यू की हम बात करेंगे तो वो कई जगह कुछ हद तक सफल भी दिखाई दिया, और कुछ जगह देखिए जो बेहतर बनाने की लगातार कवायद।